हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू बैंकिंग फ्लुएंट एनके। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट आरआरबी क्लर्क मेंस रोड मैप फॉर लास्ट 13 to 14 days। ओके, सो मैं होप करती हूँ कि आपने अपनी जो प्रिपरेशन है वो पहले से स्टार्ट करके रखी होगी। ठीक है, अभी आपको क्या करना है फटाफट से मैं बताऊंगी, और मैं थोड़ा जल्दी बोलूंगी सो दैट आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, आपको पढ़ना है, मुझे भी पढ़ना है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पैटर्न है आपके सामने है, आप इसको देख सकते हो। उसके अलावा दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको अपने माइंड में बिठानी है कि ये जो पेपर है आरआरबी क्लर्क मेंस का, इट इज डुएबल। कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा जो डुएबल नहीं होगा। ठीक है, एंड जो दूसरी चीज है वो ये है कि इसमें आपका स्पीड काम आएगा। देखो, यूजुअली हम कहते हैं कि प्री में स्पीड चाहिए होता है, लेकिन मेंस में आपका जो आपका चलता है, आपका पेशेंस लेवल देखा जाता है, वहां पे आपकी सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन देखी जाती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, आरआरबी क्लर्क मेंस में आपको स्पीड चाहिए होगा, आपको मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं सो दैट आपके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए, क्योंकि ये पेपर इजी आएगा, इसका कट ऑफ भी हाई जाएगा। जिन जिन पेपर्स का थोड़ा पैटर्न जो इजी आता है, लेवल इजी आता है, उनका कट ऑफ हाई जाता है। सो दिस इज द रीजन कि कट ऑफ क्यों हाई जाता है। तो आपको स्पीड प्लस ये चीज आपके माइंड में रख लेनी है कि ये पेपर डुएबल है, जो आपने प्री में पढ़ा है वही आपके काम आ जाएगा। बस आपका जो आरआरबी क्लर्क मेंस है वो थोड़ा आरआरबी पीओ प्री के आसपास आएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस करना है। देखो, अगर तो आपने करंट अफेयर्स कर रखे हैं तो फिर तो आपको उनको रिवाइज करना है, फिर तो कोई खास बात है नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया, और दूसरी एक चीज ना मैं और यहाँ पे बता दूं, अगर कोई स्टडी आई की फॉलो कर रहा है वो उसी को फॉलो करेगा, अगर कोई अफेयर्स क्लाउड फॉलो कर रहा है वो उसी को फॉलो करेगा। मींस टू से कि आपको इस मोमेंट पे अपना कोई भी सोर्स को स्विच नहीं करना है, जो आप करते आ रहे हो उसी को करो, उसको रिवाइज करो। ठीक है, और अब दूसरी बात, ठीक है, अगर तो आपने कर रखे हैं करंट अफेयर्स, बहुत अच्छी बात है। कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो 8-8 मंथ के करके बैठे होंगे, लेकिन आपको क्या करना है, यूजुअली आपको लास्ट 6 मंथ का रिक्वायर्ड होता है, लेकिन मैं अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं, आपको 4 मंथ्स के ऊपर ज्यादा फोकस रखना है, क्योंकि वहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं। जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया उनको 4 मंथ्स अच्छे से करके बैठने। देखो, लास्ट ईयर आईबीपीएस क्लर्क मेंस में मैं 6 मंथ के करंट अफेयर करके गई थी, लेकिन मैंने रिवाइज कुछ नहीं किया था, दैट इज वाई वहां पे मुझे रिकॉल करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। मुझे लगता है मेरे मेंस में 10 मार्क्स आए होंगे शायद। तो मतलब यही रीजन है कि मैंने करे 6 मंथ्स के थे लेकिन रिवाइज नहीं किया। इससे बेहतर ये होगा 4 मंथ्स के कर लो, अच्छे से रिवाइज कर लो। ठीक है, और रिवाइज क्या करना है, क्विजेस भी देना है। अब करने कैसे, ठीक है, मैं तो फेस क्लाउड फॉलो करती हूँ तो मैं आपको उसी का बताऊंगी। अगर आप कुछ और फॉलो कर रहे हो तो आप उसी को कंटिन्यू रखो, उसकी रिवीजन करो। तो देखो, अफेयर्स क्लाउड का अब आप इस मूवमेंट पे क्या कर सकते हो, आप ना उनका वीकली पीडीएफ उठा सकते हो। अच्छा, अफेयर्स क्लाउड और एक ना अड्डा 24/7 का ना हिंदू रिव्यू आता है, और एक ना ऑलिव बोर्ड का बोल्ट आता है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। तो इन दोनों में से अगर आप मतलब कुछ एक फॉलो करना चाहते हो, ये तो 50-60 पेजेस का होता है और ये भी अप्रॉक्सीमेटली 75 पेजेस का रहता है, तो आप इसमें से किसी को भी फॉलो करो। ये दोनों थोड़ा मंथली मिलेंगे आपको। अगर आप फेस क्लाउड करते हो तो वीकली जो 4 वीकली पीडीएफ आते हैं उनको करो, इनमें से किसी एक को करो, अच्छे से रिवाइज करके उसका क्विजेज लगाओ। चाहे यूट्यूब की वीडियो से की हेल्प लेके क्विज लगा सकते हो, चाहे आप अपना जैसे स्मार्ट कीड़ा हो गया, आपका गाइडली हो गया, यहाँ पे आपको क्विजेज मिल जाते हैं फ्री में, तो आप उसको भी दे सकते हो। ठीक है, लेकिन जो वीडियोज होंगी यूट्यूब के लिए वो आपको रिवीजन पर्पस के लिए यूज करनी है, लेकिन आपको पढ़ना यही पीडीएफ से ही है। ठीक है, चाहे वो अड्डा 24/7 का हो जाए, चाहे वो ऑलिव बोर्ड, चाहे वो अफेयर्स क्लाउड का हो जाए। सो ये हो गया आपका, आपको मिनिमम 4 मंथ्स के करंट अफेयर अच्छे से कर लेने हैं। आपको ये जो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 4 मंथ्स के करंट अफेयर अच्छे से कर लेने हैं। ठीक है, और उसके बाद अब मैं बताती हूँ आपको, ये हो गया आपका करंट अफेयर्स का। उसके बाद आता है क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसका सबसे बेस्ट सोर्स रहेगा आपका मॉक्स। इस टाइम पे आपको मॉक्स के ऊपर फोकस करना है। जैसे आपके पास 14 डेज है तो आपको मिनिमम 8, मैक्सिमम 10, और कई तो अगर हो सके तो आप 14 डेज हैं 14 मॉक्स भी दे लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका लेवल मैटर करेगा। अब कईयों का लेवल थोड़ा नीचे होगा, ठीक है, नीचे इन द सेंस समझ गए ना आप, तो मतलब वो 8 मॉक्स दे सकते हैं मिनिमम, और कईयों का बहुत ऊपर चला जा चुका होगा क्योंकि उन्होंने प्रेपरेशन काफी पहले स्टार्ट कर दिया होगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने 14 मॉक्स भी आप दे सकते हो 14 डेज में। ठीक है, तो मिनिमम आपको क्या करना है, 8, और मैक्सिमम मैं रिकमेंड कर देती हूँ 10। ठीक है, ये आप इस रेंज में अपने मॉक्स दे लो। उसके अलावा अगर आपको इंग्लिश और हिंदी में दिक्कत आती है तो आप सेक्शनल मॉक्स दे सकते हो। ठीक है, सेक्शनल मॉक्स को आप प्रेफर कर सकते हो हिंदी और इंग्लिश के मामले में। अब मैं और एक चीज बताती हूँ, जिनको अब लग रहा होगा कि उनका SBI और IBPS PO भी तो आ रहा है ना प्री, तो उनको क्या करना है, आप सुबह उठो, 2 घंटे आप इसको दे दो। वो कैसे मैं बता देती हूँ आपको। आपको सुबह उठते ही SBI क्लर्क का प्री का मॉक दे देना है, नेक्स्ट डे आपको IBPS PO का प्री मॉक देना है, उसके नेक्स्ट डे फिर से SBI क्लर्क का प्री का मॉक दे देना है। तो ऐसे करके आपको अल्टरनेट डेज पे बस एक ही मॉक देना है इन दोनों एग्जाम्स का। ठीक है, तो उसके बाद उसको एनालिस करके आप वहीं पे छोड़ दो। उसके बाद आपको अपना जो मेंस का ये मैंने बताया आपको उसके ऊपर लग जाना है। ठीक है, मेंस का काम करने लग जाना है, तो बस आपका इतने से ही हो जाएगा, ये मेरी बात आप मान लो। ठीक है, आपको अभी आप कुछ और नहीं कर सकते,
उठे, आप अपना जो ये खत्म किया अपना प्री वाला, उसके बाद 2 घंटे के बाद आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं अपने 7 से 8 घंटे, ठीक है। तो इधर फोकस कर लेना, उससे ज्यादा भी टाइम लगता है तो लगा दो, क्योंकि ये आपके पास बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपका ये जो आरआरबी क्लर्क मेंस है ना, बहुत ईजी आने वाला है, ठीक है। आपसे डुएबल होगा, आप कर लोगे। कई बच्चों के तो रीजनिंग में 40+ यहाँ पे मार्क्स आते हैं, कईयों के तो ऑब्वियसली इट इज, क्यों, क्योंकि ये पॉसिबल है, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों के ऊपर फोकस कर लेना। अभी आपका कोई और डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू सो मच।